इस समय हम अशोकनगर के चंदेरी में मौजूद हैं और यहाँ पर एमपी चौपाल की शुरुआत कर रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव आने वाला है, दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और हम शुरुआत करेंगे आज की जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे बात करेंगे, गोपाल सिंह जी, क्या उनकी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। कमलनाथ जी ने जो अपने बहुत कम समय में 2 लाख तक की कर्ज माफी और जो अच्छे कार्य किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 35-35 करोड़ में विधायक खरीद के जो सरकार गिराई थी वो सब जनता, विधायक बिके हैं 35 करोड़ में, जनता नहीं बिकी है। जनता जवाब देगी, जो 35-35 करोड़ में विधायक बिके हैं उनमें से एक भी सर विधायक द्वारा चुनके नहीं आएगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कमलनाथ जी ने गौशालाएं बनवाई, उनमें आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारा उपलब्ध नहीं करा पा रही है गायों के लिए। चीता लाने के लिए 200 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान, 200 करोड़ रुपया चीताओं को छोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपया आ सकती है। गाय के लिए जो कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाई थी उनमें चारा नहीं है, उनको शिवराज सिंह को उनकी फिक्र नहीं है मुख्यमंत्री जी को कि गाय हमारी भूखों मर रही है, जो कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई थी जिनमें गाय आज मौजूद है और उनके लिए चारा तक नहीं मिल रहा है। गोपाल सिंह जी का साफ आरोप है कि भाजपा सरकार में गायों को चारा नहीं मिल रहा है। हम भाजपा के लोगों से बात करेंगे, उनकी क्या कुछ तैयारियां और आगे फिर चर्चा करेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय समस्याओं को लेकर। क्या कुछ समस्याएं हैं जो स्थानीय स्तर पर हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि चारा नहीं मिल पा रहा है गायों को, जबकि 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च चीता लाने के लिए कर दिया? पहले तो मैं माननीय विधायक जी कहना चाहूंगा, तो उनका तो काम है आरोप लगाना, विपक्ष में है उन्हें कमियां ही दिखाई देंगी केवल, और पिछले 15 सालों से वही यहाँ का क्षेत्र देख रहे हैं और इतनी स्थिति खराब है इस क्षेत्र की कि माननीय विधायक जी ने कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक। मैं कमलनाथ जी और शिवराज जी वाली बात नहीं करना चाहूंगा, मगर मैं यहाँ की क्षेत्रीय बात करना चाहूंगा। और दूसरी बात है केंद्र में जो भी स्थितियां बन रही हैं, जैसे चीता लाने की बात की है, तो पर्यावरण संतुलन के लिए हर प्रजाति का होना आवश्यक है। आज एक गर्व की और घमंड की बात है देश के लिए कि इस देश में पुनः चीतों का आगमन हुआ है, इस बात को मैं कहना चाहूंगा। और गायों की बात हो रही थी, उसके लिए भी हर पंचायत में गौशालाएं बनाई जा रही हैं। कमलनाथ जी ने जो स्कीम बनाई थी उसके बाद भी काम बराबर चल रहा है, नियमित रूप से काम चल रहा है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है गायों की स्थिति खराब है, रोडों पर घूम रही हैं और मरने के बाद उन करोनों से उठाया जा रहा है। तो क्या जो इतना लंबा बजट जो सिवपुर के कुनों में लगाया गया है, क्या उससे कुछ गायों का प्रोग्रेस हो सकती थी, ऐसा कांग्रेस का आरोप है? कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। हर स्थिति की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्था होती है। आप दोनों को बराबरी से नहीं तोल सकते कि चीतों को क्यों किया गया और गायों को क्यों नहीं किया जा रहा। दोनों के लिए अपनी अपनी राशियां हैं, दोनों का अपना अपना काम है, दोनों क्षेत्र देख रही है सरकार और सरकार का हर ओर ध्यान है। जबकि कमल, मैं आपको एक बता दूं, अगर राजस्थान में तो सरकार किसकी है, कांग्रेस की है ना, वहां भी तो गायों की जो स्थिति है वहां क्यों नहीं हो रहा है, वो भी तो मैं कहना चाहूंगा। भाजपा कह रही है राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, गायों की स्थिति वहां खराब है, तो क्या कुछ वहां पर ऐसी स्थितियां क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय सांसद डॉक्टर केपी यादव जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि अशोकनगर जिले में सट्टा और जुआ फल फूल रहा है। माननीय जिला पंचायत के नाम निर्वाचित अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह जी पत्र लिख रहे हैं कि जिले में सट्टा जुआ चल रहा है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं चंदेरी में जो यहाँ विराजमान है उपाध्याय जी, जिन्होंने 1 साल तक चंदेरी में सट्टा चला जुआ टांग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, 200 गाड़ी कैंप लगा के 200 गाड़ी यहाँ टीआई के नेतृत्व में सट्टा और जुआ चला, 3 जिले के आदमी सीपरी गुना झांसी अशोकनगर के लोग यहाँ जुआ खेलने आते थे, बर्बाद कर दिया यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुआ और सट्टा से। कई लोगों ने, पूरा जिला बर्बाद है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है,
खुलेआम यहाँ जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर के पी यादव कह रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य माननीय जगन्नाथ सिंह जी कह रहे हैं। इतने शर्म की बात है, इतनी बद से बदतर स्थिति है। और अशोकनगर जिले की तीनों सीटें यहाँ चुनाव जीतेंगी। आज हमारी चंदेरी में नगर परिषद बनी, माननीय जयवर्धन सिंह जी थे, उनके उनने 6 करोड़ रुपए शहर के लिए दिया, जिससे हम गलियों में विकास कर चुके, बाईपास का मार्ग बनवाया, बाहर शहर की रोड की सीसी करवाई। भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों से सरकार है, जिसने कोई विकास नहीं किया। हमारे कमलनाथ जी ने 50 बिस्तर की अस्पताल यहाँ मंजूरी किया था चंदेरी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही आई तो वो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाजपा तो कह रही है कि आप यहाँ काफी सालों से हैं, और आपने क्या किया यहाँ पर? मैंने बहुत कुछ किया अपने कार्यकाल में, जो विपक्ष में रह के जितना मुझसे बन पड़ता था, अपनी निधि से, विधायक निधि से, आज तक के किसी विधायक ने इतना पैसा नहीं दिया होगा। मैंने अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए का विकास चंदेरी शहर के लिए कराया। मैंने समूचे में जैन समाज का मैंने सामुदायिक भवन बनाया, मुस्लिम समाज का सामुदायिक भवन बनाया, मरगट कब्रिस्तान की बाउंड्रियां करवाई, मरगटशाला की बाउंड्रियां बनवाई, जो कोली समाज के 2 समुदाय भवन बनवाए, हरिजन समाज का सामुदायिक भवन बनवाया। मेरे पास विधायक निधि है, जिससे मैं विकास कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। और मैं अपनी 2003 से मैं यहां विधायक हूं। भारतीय जनता पार्टी की जहां 38 विधायक हुआ करते थे, उस समय मुंगावली से मैं चुनाव जीत के आया 2003 में। पूरे प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, अगर मैं काम नहीं करता होता तो 2003 में मैं मुंगावली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत के नहीं आता। विधायक गोपाल सिंह कह रहे हैं उन्होंने काफी कुछ विकास किया, अभी भाजपा के लोगों ने आरोप लगाए थे यहाँ कोई विकास नहीं दिखता है, हम आगे भी बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? इसमें पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है वो तो आपने करे होंगे और किए होंगे, मगर उससे भी आगे बढ़कर कुछ किया जा सकता था। युवा सट्टे का आरोप है, खुलकर पत्र सामने आ रहे हैं भाजपा के अधिकारी, यदि इस तरीके का आरोप लग रहा है तो हम अपने नेताओं से मतलब जांच का या मैं किसी प्रकार से मतलब जो भी विधायक जी आरोप लगा रहे हैं, हालांकि ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन विधायक जी आरोप लगा रहे हैं तो हम इसकी सब लोग जाँच कराएंगे और जो भी कार्रवाई हो। वो तो कह रहे चंदेरी में जुआ चलता था तो 200 गाड़ियां आती थी, 3 जिलों से लोग आते थे, तो क्या बूढ़ी चंदेरी में कहीं चल रहा है या विधायक जी को दिख रहा है या किसी कार्यकर्ता को दिख रहा है तो वो वीडियो दिखा है, कुछ दिखा है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। भाजपा का आरोप है जुआ सट्टा जो चल रहा है वो केवल आरोप है, कोई वीडियो दिखाए, कोई सबूत ला के दे। मैं मानता हूँ इनका सांसद झूठा है, इनका जिला पंचायत अध्यक्ष झूठा है, ये सब झूठे हैं, और सब पुलिस प्रशासन और जो दलाल उनके साथ जुड़े हुए हैं वो सच्चे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, जिले में देखो सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे चलना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष पर कार्रवाई होना चाहिए झूठा पत्र लिखने की, सांसद जी पर झूठा पत्र लिखने की कार्रवाई हो, पिछड़ा वर्ग आयोग के जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है उन पर झूठा पत्र लिखने की कार्रवाई हो, कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को बदनाम किया है, इनको जेल में डाल दो, क्योंकि ये जब हो नहीं रहा तो ये पत्र कैसे लिख रहे हैं? ये तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं कराई? जब इतना बड़ा जुआ चल रहा था यहाँ पर तो आप विपक्ष में थे तो आप लोगों ने क्या किया? लगातार ज्ञापन भी सब दिए, लेता कौन? जब सत्ता पक्ष के जिले राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लोगों को पत्रों की औकात नहीं है, विपक्ष कौन सुनता है? एक पत्रकार ने छापा, उसकी कुटाई पिटाई ठुकाई केस दर्ज सब तो हुआ। स्थानीय समस्याओं को लेकर हम बात करो, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, बता रहे थे स्थानीय लोगों से बात हुई है तो करीब 2 से 3 दिन में नल आते हैं, ये समस्या क्यों बनी हुई है? पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है, राजघाट से हमारी पाइपलाइन राजघाट से जो योजना जुड़ी है उसमें कुछ काम होना बाकी है, वो काम चल रहा है, और हमारा प्लांट वगैरह प्राणपुर में बना है, दूसरे प्लांट की भी हमारी योजना है, वो उसको भी हम बनवा रहे हैं। कब तक लगभग पूरा हो जाएगा, कब से सुविधा मिलेगी? लगभग 1 साल में वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, एक भाई हैं जो काफी देर से यहाँ पर हैं और छोटी की नहीं कोई समस्या ये बताएंगे। मैंने बहुत लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी के आलोक तिवारी नाम है जिनका, उनके पास मैं बहुत से लोगों के पास जा चुका हूँ, लेकिन इनने कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया। मैं अधिकारी के पास भी जा चुका हूँ लेकिन अभी तक कोई भी नहीं मिला। इनने ऐसा किया कि मैं करवा दूंगा आश्वासन, मुझे बहुत समय से दिया जा रहा है और मुझे कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। मैं अधिकारी से ये निवेदन करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं,
के मेरी जांच करवाएं, अगर मैं वास्तव में पात्र हूँ तो मुझे मिले। और चंदेरी में बहुत से लोगों की जांच करवाएं, और ये मैडम ने अगर इनका चेक भी किया है और बेबी अगर गलत निकलते हैं तो फिर मुझसे जुर्माना लिया जाए। अभी हम जब बात कर रहे थे तो आप ऑफ कैमरा कुछ कविता में आप अपनी समस्या बता रहे थे। हाँ, तो मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, कविता के रूप में बताना चाहता हूँ, इन्होंने क्या किया। भाजपा का है कमल निशान और डंडा पकड़े फिरे किसान, जनता की सो जय पहचान और भूखा मरता फिरे किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना और पैसा हो तो कुठी की सोचना, नगर पालिका भ्रष्टाचार और अधिकारी कर रहे व्यापार, और पटवारी भी इनके साथ, गिरदावल भी इनके साथ, और गरीब बेचारा है लाचार, कहाँ से लाए वो 20,000, पूरे चंदेरी का जो हिसाब है। यहाँ पर देखेंगे स्थानीय व्यक्ति अपनी पीड़ा को कविता के माध्यम से कह रहा है। हम विधायक जी से पूछेंगे आखिर ये परेशानी क्यों है, क्यों लोग कुटी नहीं मिल पा रही, क्यों पैसों के आरोप लग रहे हैं। हमारी अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका थी, भारतीय जनता पार्टी के 7 साल से यहाँ पर अध्यक्ष थे, पूरा शहर भारतीय जनता पार्टी की 7 वर्ष से यहाँ नगर पालिका में अध्यक्ष विराजमान थे। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से उनका मकान बनाया नगर पालिका अध्यक्ष पे, आप जाके देख सकते हैं, 2 करोड़ की लागत से उनका मकान बना है। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि नगर पालिका को बर्बाद कर दिया। आज 12 करोड़ का कर्ज मिला है हमारे नगर कांग्रेस के संतोष कोहली के लिए नगर पालिका अध्यक्ष बनने। सारी योजनाओं की राशि खा गए, सारी योजनाओं की राशि खा गए, 1-1 लाख की इतनी फाइल है और क्या उससे आप गिनती नहीं कर सकते। भाजपा के अध्यक्ष से और काफी कुछ कर्ज छोड़ते गए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है यहाँ पर। माननीय को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस की ही केवल कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनता आया है, और कांग्रेस का ही अध्यक्ष था जिसने अभी भाजपा ज्वाइन करी है, अभी मुश्किल से 1.5 साल पहले। इसके पहले कांग्रेस का ही शासन रहा है, और आज जितना भ्रष्टाचार हुआ इस नगर पालिका में उसके लिए सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस ही दोषी है। आज आ गए हैं वो पार्टी में तो आज माननीय कह रहे हैं कि वो भाजपा के हैं, जबकि वो कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे, कांग्रेस के ही सबकी चली आज तक। पिछले 25 सालों से माननीय का एक तरफा राज रहा है, चाहे जनपद हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, हमेशा माननीय का ही इसमें हो रहा है। और जो भी कमियां वो खुद गिना रहे हैं वो इनकी ही कमियां खुद गिना रहे हैं जी, अपनी हमारी भाजपा की नहीं गिनवा रहे हैं जी। इसलिए भैया कुछ फिर से बताना चाहेंगे, बताइए। मैंने मंत्री जी से भी इसके बारे में बोला है, सांसद जी से भी बोला है, और सांसद जी से तो मैंने ये कहा था मेरे घर जाकर चेक करो, सांसद जी मेरे घर तक भी पहुंचे थे, फिर भी मेरे आवास का भी पैसा नहीं आया है, फिर भी अभी मेरे आवास का पैसा अभी नहीं आया है। यहाँ पर कुछ युवा भी है, हम इनसे बात करेंगे, क्या कुछ स्थिति है चंदेरी की। साथियों, मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूँ ससम्मान कि अभी मैं पहले तो वर्तमान में प्रदेश की जो स्थिति है वो बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश में LPG पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की मार है, युवा बेरोजगार है, महंगाई अपरंपार है, और कुपोषण से प्रदेश बेहाल है, घर घर बैठे हैं युवा बेरोजगार, किसानों को खाद बीज के लिए तरसना पड़ रहा है, ये प्रदेश की स्थिति है। और रही बात युवाओं की, जैसा कि आपने पूछा, तो मैं हमारे भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि नीचे से ऊपर तक, मतलब नीचे पार्षद से लेकर ऊपर तक पूरे जिले में इनके जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, क्षेत्रीय सांसद भाजपा का है, केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं, सिंधिया जी पूर्व सांसद रहे हैं जो कि, और क्षेत्रीय अभी देखा जाए ब्रजेंद्र सिंह जी मंत्री जी भाजपा सरकार में हैं, और यहाँ पर राज्य मंत्री अजय यादव जी, ये सभी भाजपा के हैं। सभी होने के बाद भी युवाओं को, इस जिले के युवाओं को क्या दिया गया? क्या जिले में कृषि महाविद्यालय बना? क्या साइंस कॉलेज हमारे क्षेत्र में दिया गया? क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ युवाओं के लिए किया गया है? कितने युवाओं को रोजगार दिया? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार गिराने के बाद कितने युवाओं को रोजगार शिवराज सिंह जी ने दिया? ये मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। आज किसानों को खाद बीज के लिए जगह जगह परेशान होना पड़ रहा है, लात घूसे खाना पड़ रहा है, लाइनों में परेशान होना पड़ रहा है, भाजपा प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? और विधायक जी की ये बात कर रहे थे, आदरणीय विधायक जी का सभी पत्रकार साथी परिचित हैं इस बात से कि कोरोना काल में जब भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि और नेता घरों में दुख दुख कर बैठे थे कोरोना के डर से, आदरणीय विधायक जी पूरे जिले में दौरा कर रहे थे और पूरे जिले के लोगों को राहत सामग्री और सहायता प्रदान कर रहे थे, सभी को खाना बंटवा रहे थे, तब भाजपा के जनप्रतिनिधि कहाँ थे? चंदेरी की अस्पताल में बेड की संख्या बढ़वाई गई जिस समय ऑक्सीजन की परेशानी चल रही थी। आदरणीय विधायक जी ने हमारे नेता बाबा साहब से ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवा कर सिर्फ चंदेरी ही नहीं अशोकनगर मुगावली गुना और चारों जगह ऑक्सीजन की पूर्ति कराई जो कि आदरणीय बाबा साहब द्वारा दी गई, तब भाजपा के जनप्रतिनिधि कहाँ थे?
मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तो ऊपर से नीचे तक भाजपा है, कितने लोगों को ये रोजगार दे रहा है और योजना के संबंध में इनकी क्या रूपरेखा है ये हमें बताएं। इन्होंने आरोप लगाए हुए हैं, एक बार हम भाजपा से बात करेंगे कि कोरोना काल में इनके इन्होंने एक आपके पास भी आते हैं, आप बताइएगा क्या कुछ किया हुआ है यहाँ पर आपने कोरोना काल। कोरोना काल में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितना काम किया है, आज जिले में भी सबसे ज्यादा आज हमारे कार्यकर्ताओं जितना सिलेंडर बांटे, उस समय जो रसोई चलाई है, जितना लोगों के जितना हमारा कार्यकर्ता एक एक वार्ड में घर पहुंचा है, इतना कोई देखने वाला नहीं आया था। सिंधिया जी ने राशन पहुंचाया था, जनता बताई भाई, जनता बताएगी ये चीज। तो आज ऑक्सीजन प्लांट हर अस्पताल में लगा हुआ है, चंदेरी में लगा हुआ है, आज छह महीने रसोई चलाई गई गरीबों। जो काम किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक एक घर में नहीं बैठा उसने काम किया, इसीलिए आज जनता हमें चुनती आ रही है। आज हमारी सरकार बराबर आगे भी हम बात करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल, कोऑपरेटिव बैंक में जो गरीब किसानों का बेचारे हजारों गरीब किसानों का लाखों करोड़ों रुपया डूब गया, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? हम सरकार से सभी पूछना चाहते हैं। हमारे विधायक जी ने अनशन किया दो बार, बैठे तब जाके उनकी सुनवाई हुई, नहीं घुसने नहीं दे रहे थे। विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक में हजारों किसानों का पैसा एक व्यक्तिगत, यहाँ एक दो कर्मचारी FDRA थी इनके पास, FDRA आज कम से कम कितने करोड़ रुपए है, कितने करोड़ रुपए होगा, 25 करोड़ रुपया गरीब आदमियों का हजम कर गई बैंक के कर्मचारी। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, आज दिनांक तक वो गरीब व्यक्तियों का पैसा नहीं दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो गरीब सहकारिता पे राशन माफिया यहाँ चंदेरी में हावी है, ना मिट्टी का तेल बट रहा है, ना शक्कर बट रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है सहकारिता में। पर्यटन से संबंधित एक और पर्यटन के लिए यहाँ पर महिला भी मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ स्थिति है चंदेरी में महिलाओं को लेकर, महिलाओं को उत्थान के लिए क्या कुछ किया गया। महिलाओं के साथ में तो अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो हम कह सकें। शिवराज मामा के राज में सुरक्षित नहीं है, ना तो बहन सुरक्षित है, ना भांजियां सुरक्षित हैं। आज 6 महीने, 4 साल, 1.5 साल, 2 साल, 8 साल, 15 साल की लड़कियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार सिर्फ आई गई और बस किसी की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। रिपोर्ट लिखी जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये कहां तक है कि जो हमारे मामा जी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सारी मध्य प्रदेश की बहनें मेरी बहनें हैं, भांजियां मेरी भांजियां हैं, लेकिन ना तो बहनों के लिए कुछ किया गया है, ना भांजियों के लिए। हम लोग आशा कार्यकर्ता हैं, 2004 में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी राष्ट्रीय राजीव गांधी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। तो शायद ये भेदभाव मामा जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कांग्रेस ने चुना था। आज जब से कांग्रेस ने चुना है तब से भाजपा की सरकार है, तो हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, माननीय मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ ये सौतीला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो समूह के लिए बुलाया, लेकिन आशाओं के लिए क्यों नहीं बुलाया? हर बार आंगनबाड़ी की महापंचायत, आशाओं की पंचायत क्यों नहीं बुलाती? या तो वो आशाओं से डरते हैं या फिर आशाओं से भेदभाव करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सौतेला व्यवहार शोभा नहीं देता। आप मुख्यमंत्री जी हैं, आपके लिए सब लोग बराबर होना चाहिए, फिर ये सौतेला व्यवहार बहन बेटियों के साथ में बिल्कुल शोभा नहीं देता माननीय मुख्यमंत्री जी को। चंदेरी जो है वो साड़ियों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर हम जानेंगे भाजपा और मध्य प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, इन्होंने बुनकरों के उत्थान के लिए क्या कुछ किया हुआ है। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहे बनारस हो या चंदेरी हो, यहाँ पर एक बनकर बनाया है, उनके बीमा योजना चल रही है, उनके उत्थान के लिए नए नए काम चालू होते ही रहते हैं। और आज चंदेरी की साड़ी का जिस स्तर पर पहुंची है, आज जिस स्तर पर इस विश्व पटल पर है, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के कमलनाथ जी के उद्योग मंत्री रहते हैं, उद्योग मंत्री दी गई थी। और आज बुनकरों को यहाँ पर चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे उनकी व्यवस्थाओं को देखकर हो, हर काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा काम कर रही है। और एग्जीबिशन नए नए लगते हैं जो भी हैं, वहाँ के लिए सरकार कहीं ना कहीं प्रयासरत है। बुनकरों के लिए भाजपा ने बहुत कुछ बताया, कांग्रेस साथ ही आप भी बता रहे थे कुछ, क्या कहे? IIUS योजना के तहत जो बुनकर पार्क का जिक्र उन्होंने किया है, वो माननीय कमलनाथ जी उद्योग मंत्री भारत सरकार थे, तब उन्होंने ये सौगात दी थी। वो जो 38 करोड़ रुपए का बुनकर पार्क, 9 करोड़ की नल जल योजना राजघाट से बुनकरों के लिए, और कई बुनकरों की गलियों का जीर्णोद्वार, कई जगह नया निर्माण,
ये सब IIU इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के तहत किया गया था, जो भारत सरकार की उद्योग मंत्रालय से है, भारत सरकार के ऊर्जा विकास निगम का पैसा लगा है, भारत सरकार के NTPC का पैसा लगा है, किसी ने अपने घर में रुपया नहीं दिया है, है? ये खड़े बुनकर सुविधा नहीं मिली आज तक, कहाँ से मिली बताइए आप। लेकिन आपके साथी तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ दिया हुआ है। नहीं, कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस देती आई है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सुविधा नहीं दी। वर्तमान में क्या स्थिति है बुनकर पार्क की? बुनकर पार्क ठीक है अभी, लेकिन जो स्थानीय बुनकर है वो तो बता रहे हैं काफी स्थिति खराब है, बड़े व्यापारियों को नहीं दे दिया। आम बुनकर को होना था, आम बुनकर को होना था, बड़े वाले बड़े लोग को सौंप दिया गया है, पूंजीवाद की व्यवस्था अभी लागू कर दी। चंदेरी के लिए जो सौगात बुनकरों को मिली है, माननीय कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, सिंधिया जी हमारे सांसद थे, जब सिंधिया जी ने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया तो माननीय कमलनाथ जी ने 40 करोड़ रुपए दिए थे, 40 करोड़ की लागत से बुनकर पार्क जो चंदेरी में बना है वो माननीय कमलनाथ जी के मंत्रालय से बना था, और जो पानी हमारे यहाँ 8-8 दिन में एक दिन न लाता था उसी मंत्रालय से, कमलनाथ जी के मंत्रालय से 9 करोड़ रुपया चंदेरी के लिए पानी के लिए दिया गया। तो सिंधिया जी ने जब सांसद थे तो देन माननीय कमलनाथ जी की है कि उन्होंने 9 करोड़ रुपया यहाँ के लिए मंजूर कराया था। मैं मानता हूँ कि उसका सिंधिया जी ने वहाँ माननीय कमलनाथ सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से निवेदन किया तो उसका श्रेय केंद्र सरकार की योजना थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो माननीय कमलनाथ जी के लिए 40 करोड़ का बुनकर पार्क और 9 करोड़ की नल जल की योजना का श्रेय माननीय कमलनाथ जी को जाता है। यहाँ पर स्थानीय लोग और आए हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। बात कर ले, 80-85 लोगों कोई नेता इनकी बात कर ले, अभी बात मुख्यमंत्री जल संवर्धन योजना की चल रही थी और ये चंदेरी में भरपूर रूप से जल पिलाने की बात थी, और ये जल पिलाने की बात 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका रही है, नगर पालिका में गोपाल जी अध्यक्ष थे, उनके समय 2.5 करोड़ रुपए की 2 करोड़ 14 लाख रुपए की मुख्यमंत्री जल नल संवर्धन योजना थी, और ये आते आते कांग्रेस यहाँ पर विराजमान हो गई थी, उसके बाद 14 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, उसके बाद चंदेरी की लोकल जनता ने उसका भरपूर लाभ नहीं उठा पाया, और ये योजना थी कि प्रतिदिन नल आएंगे और नल 1 महीने में 14-15 दिन आ रहे हैं, ये हम लोग भुगत रहे हैं। और बाकी बात रहे तो रोडों की, तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज वाले आ रहे थे, जो पत्थर की रोड थी उसको देख कर आ रहे थे, हमारे शहर में आ रहे थे, शहर में ये नालियां बन गई, नालियों के कोई उपयोग नहीं है, उनमें सुअर बिल्कुल लहरा रहे हैं, इसके अलावा ना उनकी साफ सफाई हो रही है। इतने समय से कांग्रेस की सरकार रही है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक जी रहे हैं, कांग्रेस की नगर पालिका रही है, और इसके बाद चंदेरी की स्थिति क्या है, तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज वाले लोग आते हैं और आने के बावजूद यहाँ की स्थिति क्या है, किस चीज को देख के आते हैं, पुरातत्व को देखते लिए आते हैं, लेकिन उस पुरातत्व को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया है, सीसी रोड बना दी गई है, जल का स्रोत कम हो चुका है। यहाँ पर कर्मचारी संघ से भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करें क्या कुछ समस्या है। सर, हम लोगों को कांग्रेस की सरकार में अध्यक्ष थे शरद साध जी, उन लोगों ने 81 लोगों को लगाया था, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद जब वो हटे, उसके बाद मैडम आई, मैडम ने अभी हमें पिछले 3-4 महीने से ना तनख्वाह दी पिछली 6 महीने की और ना अभी दे रही हैं, और अभी हमने धरना पे बैठे थे तो माननीय गोपाल सिंह जी चौहान आए थे, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को वापस लेंगे, और तब भी धरना पे बैठने को भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद हम सब कर्मचारी सिंधिया जी के पास गए दिल्ली, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, या मंत्री जी के पास गए कोई सुनवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि हमारे राजीव सिहारे जी जो उपाध्यक्ष थे उन्होंने हमारी धरना प्रदर्शन छुड़वाया था कि हम आपको जो 16 में कार्यरत हैं, जो 16 से लगे हुए हैं उनको वापस कर रखवाएंगे, और वो कह के हमें यहाँ पे वापस ही दिलाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं रखा जा रहा है, हम दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं, ये देखो ये लोग सब हम लोग इसके आदि कर्मचारी थे, लेकिन उसके बावजूद हमें 2016 की वापसी के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक ना तो कांग्रेस सुन रही है ना भाजपा सुन रही है। माननीय गोपाल सिंह जी की भी अब अध्यक्ष बने हैं, हम विधायक जी से निवेदन करते हैं कि हम जो लिस्ट दे दी है हमें उन कर्मचारियों को जो काम कर रहे थे उन्हें वापस लिया जाए, इतनी सी हमारी ना कांग्रेस सुन रही है ना भाजपा सुन रही है, लगातार कर्मचारियों के आरोप, पब्लिक के भी आरोप यही है, युवा है इनसे पूछेंगे हम,
जैसा कि साथियों मैंने पहले बताया था रोजगार के बारे में आपने मुझसे पूछा था, 2 करोड़ रोजगार देने वाले आज करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं जो कर्मचारी, उनका साक्षात नमूना आप सभी के सामने है। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने ये घोषणा की थी यदि सरकार रहती तो उसको रोजगार को लेकर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, सभी के खातों में आया था। मैं खुद साक्षी हूँ इस बात का, मेरे सामने मेरे साथियों के खाते में भी आए थे। कमलनाथ जी रोजगार के संबंध में ये सब पहल कर रहे थे और करोड़ों बेरोजगार आप सब देख पा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार तो इन्होंने नहीं दे पाया, करोड़ों लोगों को बेरोजगार जरूर इन्होंने कर दिया है। ये भाजपा सरकार की रीति नीति है, इस चीज को जनता समझ रही है। और इस बात से सभी, और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, सिंधिया जी ने कहा था कि मैं कर्मचारियों के लिए सड़कों पर उतरूंगा, ये कर्मचारी बेरोजगार घूम रहे हैं, सिंधिया जी इनके लिए सड़कों पर कब उतरेंगे आप सरकार के खिलाफ? ये सिंधिया जी से और भाजपा के साथियों से सवाल है कि आप सड़क पर उतरिए, अब वक्त है ये कर्मचारियों के लिए। आप नहीं उतरेंगे तो कांग्रेस जरूर उतरेगी, विधायक जी के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों के लिए जरूर सड़कों पर उतरेंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है इसलिए रोजगार नहीं है, क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रोजगार है? बिल्कुल, रोजगार के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, कई प्रकार के प्रशिक्षण शिविर लगाकर, कई प्रकार से रोजगार के लिए प्रशिक्षण देकर उनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है सरकारी विभागों में, वो भर्तियां कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने सरकार गिराकर जितने भी पद पड़े हुए थे अभी तक वो पद जस के तस खाली पड़े हुए हैं, अभी तक पदों को नहीं भरा है भाजपा सरकार ने। अभी भाजपा की सरकार है, क्या शिवराज सिंह जी इन पदों को अभी भी नहीं भरेंगे? क्या जनता इसी तरह बेरोजगार घूमती रहेगी? और एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय विधायक जी के बारे में, भाजपा के साथियों ने जितने भी आरोप लगाए हैं इनके सभी आरोप निराधार हैं, इन सभी को जनता समझती है। और ये आप देख पा रहे हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर भी कर्मचारी साथी कितने बेरोजगार हैं, यही भाजपा की पोल खोलती है। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार के जाने का वक्त हो गया है और आदरणीय विधायक जी पुनः विधायक बनेंगे और अशोकनगर और मुगौली में भी साथ में उनके नेतृत्व में विधायक बनेंगे। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे शहर के क्या हालात है, क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर ये लगातार खबरें वगैरह उठाती रहती हैं। यहाँ की मूलभूत समस्या तो यहाँ जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे भाजपा के हों कांग्रेस के हों, वो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को नहीं देखते हैं। आपसी में रंजिश की वजह से काम ले लेते हैं ठेकेदार वगैरह बन के और फिर काम नहीं करते हैं, कई सालों तक काम लटके रहते हैं, काम की गुणवत्ता ठीक नहीं रहती है, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। ये रोजगार के मुद्दे पे कहना चाहता हूँ, दोनों 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 पार्टियाँ कोई काम नहीं कर रही, दोनों पार्टियाँ कोई काम नहीं कर रही, स्थानीय लोगों का आरोप है भाजपा के जो यहाँ पर है पदाधिकारी उनके पास है। जैसे कि बेरोजगारी की बात हो रही है तो आपको शायद पता होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है और घोषणा की है और उससे आज कांग्रेस को नहीं दिखाई देगी आज और आज रोजगार है और ये नौकरियां जो निकाली है वो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की नगर पालिका भी जब भर्तियां की गई थी, जब भर्ती वो पिछले 2 साल चुनाव नहीं हुए थे। भैया जितने लगे हुए लोगों को निकाला है तो यहाँ सरकार किसकी थी, यहाँ बैठा कौन था? कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके समय पे लगाए गए थे तो कांग्रेस की समय पे निकाले गए। और ये किस नियुक्ति के आधार पर इन लोगों को रखा था? 81 लोगों को किस आधार पर रखा था, किस आधार पर रखा था, किस योग्यता पर रखा था, ये भी तो ये लोग हमें बताएं। कांग्रेस इसका जवाब देगी किस आधार पर उनको रखा था और क्यों निकाला गया? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, गरीबों से 1-1 लाख रुपया लिया गया। मैंने भी 400 नियुक्ति की जनपद अध्यक्ष था, कोई माइका लाल बता दे के कोई की लौंग खाई हो तो, मैं 400 नियुक्ति की थी मैंने जनपद पंचायत अध्यक्ष में चनेरी में, एक लौंग भी खाई हो कोई बताए भारतीय जनता पार्टी का, कोई प्रूफ कर दे कि 1 रुपया भी मैंने लिया हो। 400 लोगों को मास्टर बनाया था मैंने, 20 साल जनपद अध्यक्ष रहा मैं, इसलिए जनता साथ है, इसलिए 2003 में उन नियुक्तियों की वजह से मुंगावली से मुझे कांग्रेस के टिकट पर 38 विधायक थे, 38 विधायक में जनता ने मुझे चुन के भेजा था। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे, भैया भी कुछ कह रहे थे, हम इनसे बात करेंगे क्या समस्या थी। अभी काफी तेज बोल रहे थे, बताइए जी। श्रीमान, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं कर्मचारियों के हित में पूछना चाहता हूं शिवराज सरकार से कि आपने जो 2017 में कर्मचारियों द्वारा एक हड़ताल की गई थी, प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई थी, जिसमें आपने हमारे साथ, हमारा मुख्य बिंदु था जिसमें नियमितीकरण का मुद्दा था, जिसमें सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा छलावा किया है, जिसमें हमें बीच का भाई बनाकर रख दिया, हमें विनियमितीकरण कर दिया, जिसमें श्रीमान आज दिनांक तक किसी भी व्यक्ति को परमानेंट नहीं किया गया और स्थिति यहां तक है
कि जिनके बच्चे हमसे बड़े हैं वो भी आज हमारे साथ दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि श्रीमान, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, नेता कोई भी हो, किसान, कर्मचारी, मजदूर और आम आदमी, तो ऐसा नहीं है, चार बिंदु हैं और चार हैं इसके पाए, जिसमें कर्मचारी भी है। तो ऐसा ना हो श्रीमान 2019 वाली स्थिति 2023 में भी आ जाए, सारा कर्मचारी अपनी कमर कसे बैठा है। अगर आपने अब भी अगर अपनी आंखें नहीं खोली तो देख लेना, आपका विनाश भी लंका की तरह होगा। आरोप कर्मचारियों का है, कोई सरकार उनकी नहीं सुन रही है। 2019 में साथ नहीं दिया तो आज ये स्थिति है, वो आगे भी आंदोलन की बात कर रहे हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मंडल में 108 लोगों की कमेटी बनाई गई, 108 लोग हैं। और मैं ये यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं जनता की ओर से ही बात कर रहा हूँ कि 108 लोगों में से कोई यहाँ उपस्थित नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ की भाजपा और कांग्रेस एक ही है, क्योंकि जब कांग्रेस के 9 पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षद थे और कांग्रेस का अध्यक्ष बना लिया गया। एक मिनट मेरी बात सुनो, यही भाजपा है। और कांग्रेस के 10 पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षद, उसके बाद उपाध्यक्ष फिर कांग्रेस वालों ने भारतीय जनता पार्टी का बना के दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक है, इसलिए मंडल में से कोई व्यक्ति यहाँ पर इतनी बड़ी चुनाव में उपस्थित नहीं है। आप कह रहे हैं यही भाजपा है, तो कांग्रेस से कैसे उपाध्यक्ष हुआ? आप कर लीजिए, अगर आप हमें कोई एक कदम हम हमें बढ़ाएंगे तो हम दो कदम बढ़ा के आप गले लगाएंगे। आप ये देखो, जिनको हमें नीतियों में विश्वास था वो हमारे पास आया, जो हमें नीतियाँ मान रहा है उसको हमने साथ दिया, जिनको अविश्वास था वो वहाँ पहुँच गए। जो 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 जिनको हमें विश्वास रहेंगे, हमें नीतियों में विश्वास रहेंगे, बेटा ग्राउंड से बाहर होगा। मतलब 13 वोट आपकी तरफ से उपाध्यक्ष के लिए मिले, तो क्या मतलब अविश्वास था उनको? उनकी पार्टी में एक निर्दलीय को प्रत्याशी बना रहे हो आप, उनकी निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हो, जिस नगरपाल के अध्यक्ष पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, पैसे खाने के, उसको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था बार पास से। ऐसे लोगों को बनाओगे तो निष्ठावान जो समर्पित कार्यकर्ता जो देश हित में क्षेत्र हित में सोचता है वो अच्छे लोगों के साथ ही जाएगा, अच्छे लोगों के साथ आ गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है या जो भी पदाधिकारी है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जैसे अभी आप बताया था कि माननीय सांसद जी ने चिट्ठी लिखी कि जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ। माननीय जगन्नाथ सिंह जी ने आरोप लगाया कि जुआ सट्टा चल रहा है। यहाँ के जो नेता हैं, टिकट बेचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के, इसका इतना बड़ा उदाहरण राजेश पंथी जो महामंत्री है, उसने आरोप लगाया यहाँ के नेताओं पे कि हाँ 20 लाख रुपया एक से उपाध्यक्ष बनने के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिए 20 लाख रुपए लिए। जब आप पार्षदों के टिकट बेचोगे, आप उपाध्यक्ष का टिकट बेचोगे, अध्यक्ष के मैंडेट में 25 लाख रुपया लोगे, तो आपके पार्षद तो आपको छोड़ के भागेंगे। एक मिनट, आप आरोप लगा रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन कोई आपका प्रूफ भी है क्या ये पैसों के लेन-देन को लेकर? जो हमारे पास आए से बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? जो हमारे पास जो दुखी हो के आए हैं, जो हमारे 10 से 13 हो गए, यही प्रूफ। आप भाजपा में हैं, आप भाजपा में हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि लगातार अनदेखी हो रही है शहर की भाजपा के लोगों द्वारा। इतने बड़े प्रोग्राम में भी भाजपा की यहाँ बहुत कम लोगों की संख्या देखने को मिल रही है, क्या कुछ कारण है? तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वो गलत हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और सत्य है। और बात रही कि पार्षदों को टिकट की या किसी भी पद पे जो भी हो, उसके बाद जैसे राजेश पंथी जी की बात हुई है, हाँ ये भारतीय जनता पार्टी है, संगठन के महामंत्री को टिकट नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं उनको लिए देखने को मिला है, इसलिए 9 सीट आई हुई है, ठीक है, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसके बाद भी उनका चुनाव में
उनको वोट कितने प्राप्त हुए? 60 और 67 उनके बाढ़ से, लेकिन उनके बाढ़ से ही फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। तो पार्टी को कहीं ना कहीं लगा था, वो पार्टी ने जिन लोगों को हटाया है तो कांग्रेस उनको ग्रहण कर लेती ना, और भी तो लोगों को भाजपा ने हटाया है तो कांग्रेस उनको जेल लिया, तो राजेश जी को जेल लेते कहीं? आपको इतने निष्ठावान लग रहे थे, आपको भी उन पर विश्वास नहीं था कि हमारे राजेश जी हमारी पार्टी में ही नहीं जीत पाएंगे तो आपकी पार्टी में कैसे जीतेंगे? तो आपने उनको जीतने का कार्य नहीं किया। महामंत्री थे भाई यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर कांग्रेस भाजपा लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। केंद्र और मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है और यहाँ पर विधायक लगातार कांग्रेस से है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो देखा जाए, जो जीरो ग्राउंड जीरो पर हमने भी देखा है, जो चंदेरी की स्थिति है काफी दयनीय है, सुधार के कोई अभी तक उपाय ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और लगातार इसलिए उपाय जो है नहीं किए गए। दूसरी बात, यहाँ पर जो बुनकर है उनकी स्थिति भी काफी दयनीय है, उनके लिए दोनों ही पार्टियों ने कोई कुछ नहीं किया हुआ है। एक छोटी सी बात और हम यहाँ पर करेंगे, जो भाजपा पर आरोप लगा रहे थे भाजपा का, होने के बाद ही एक और कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेता एक मिनट जो नेता भी बने हैं उनकी स्थिति के, साइकिल थी ना किस्मत में खड़ी है उनके घर कारे, उन्होंने ही अधिक लूटा जो जितने थे अधिक प्यारे, घोटालों की बही गंगा जुटे नंगे नहाने में, और जो भंडारों में खाते थे भरे हैं आज भंडारे। भाजपा की बात, भाजपा की आज चंदेरी में हमने चौपाल लगाई, लोगों से समस्याएं जानी, कांग्रेस से भी जानी, भाजपा से भी जानी। आज का प्रोग्राम हम यही समाप्त करेंगे, आगे फिर बात होगी। नमस्कार।